बेलापुर गांव में सभी लोग एक साथ हंसी खुशी मिलजुल के रहा करते थे। एक दिन उनके गांव को किसी की नज़र लग जाती, जिसके बाद गांव वाले कभी भी किसी पे भरोसा करने से डरने लगते हैं। एक दिन वहां की रामू किसान की लड़की अपने स्कूल से पढ़ाई करके लौट रही थी, जिसका नाम बंकू था। बंकू बहुत ही बातूनी थी, किसी भी अनजान से या जाने पहचाने से वो बैठ के बहुत बातें किया करती थी। वो एक साफ दिल की लड़की थी। एक दिन स्कूल से वो अकेले लौट रही थी। उसकी सहेलियां उसके साथ उस दिन उसके स्कूल नहीं गई थी, इसलिए वो अकेले गई थी और उसे प्यास लग जाती है। रास्ते में वो एक बहुत ही खूबसूरत सा घर देखती, जिसके घर के आगे एक मोहिनी नाम की औरत बैठी रहती है। मोहिनी से बंकू पानी मांगती, मोहिनी तो उसे पानी देती, उसके साथ साथ उसका फेवरेट वाली मिठाई भी दे देती। इससे बंकू बहुत खुश हो जाती और घंटों मोहिनी के साथ बात करके बिता देती। मोहिनी उसके सारे राज निकलवा लेती। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक पिशाचिनी चुड़ैल थी, जो कि हर रोज़ किसी के इंतज़ार में वहाँ बैठा करती थी। गांव वाले तो उसके बारे में जानते थे, इसलिए वो उसके झांसे में नहीं आते, पर बंकू को कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो किससे बात कर रही है। धीरे धीरे करके बंकू उस मोहिनी की ओर घींची चली जाती है। पहले तो उसे मज़ा आता और ऐसा लगता कि शायद वो फिसल रही है, लेकिन फिर वो खुद को पाती कि मोहिनी के एकदम पास चली गई और मोहिनी के भी रंग भंग बदल जाते। आवाज़ चेंज करके उससे डरावने आवाज़ में हंसते हुए कहती, चल तू मेरी याद शिकार बन गई। बंकू रोने लगती। मोहिनी उसे अपने साथ अपने घर में कैद कर लेती। इधर बंकू का पिता रामू शहर से अपना काम करके लौटता तो रास्ते में उसे उसकी पत्नी दिखाई देती। उसे देख वो हैरान हो जाता और कहता, अरे तुम शहर की ओर कहाँ जा रही थी? उसकी पत्नी लता उससे कहती, देखो जी, बंकू सुबह से पाठशाला गई है और उसका कोई अता पता नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ सुबह से ही। उसकी कोई सहेली भी आज उसके साथ पाठशाला नहीं गई। बाकी दूर दूर के जो बच्चे गए थे वो तो कब के घर आ चुके हैं। हमारी बंकू का ही कोई अता पता नहीं। उसका पति उसे संभावना देते हुए कहता, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम वापस घर चली जाओ। मैं जाके देखता हूँ कि बंकू कहाँ है, तुम जाके घर पे आराम करो। लता घर वापस जाती और बेचैनी में खाना बनाती, ये सोचते हुए कि कहीं उसकी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वो बहुत साफ दिल की लड़की है। इतने में उसकी बगल की पड़ोसन दया दादी आती है। दया दादी आके पूछती, क्या हुआ लता, आज तू परेशान क्यों है? तभी वो गुस्से में कहती, आने दो आज उसे, मैं बताती हूँ, बहुत उसका मन बढ़ चुका है। पढ़ने जाती है या फिर बातें करने? दया के पूछने पे वो बताती कि उसकी बेटी सुबह से घर नहीं आती। ये सुन दया उसे जल्दी से कहती कि हमें आश्रम पर जाना चाहिए, ये कोई साधारण बात नहीं। दया उसे झट से आश्रम पर ले जाती। आश्रम पर तो गुरुजी ध्यान लगाकर अपने कोठरी में बैठे थे, पर उनका एक चेला वहाँ से गुजर रहा था। इन लोगों को परेशान देख रुकता और उनकी दिक्कत पूछता। तभी वो लोग कहती कि हमारी बच्ची सुबह से गायब है, ना जाने कहाँ चली गई। बाबा जी से बात होती तो बड़ी मेहरबानी होती, हमें पता करना है कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। वैसे तो मुझे अपने गांव वाले पर पूरा यकीन है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। अभी मैं पुलिस में नहीं जा सकती, क्योंकि वो 10 सवाल करेंगे और फिर केस लड़ने के लिए हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं। पंडित जी के चेला बोलता, आप लोग घबराइए मत, बाबा जी आश्रम के बाहर वाले नदी के पास गए, हमें वहाँ चलना चाहिए। वो उनकी परेशानी देख उन्हें झट से वहाँ लेके जाता जहाँ पर उसके गुरु जी थे।
अपने गुरुजी से वो सारी इनकी दिक्कत और परेशानी बताता। इनकी परेशानी सुन गुरुजी समझ जाते कि ये उनके पास वाली पिसाचनी का ही काम है जो कि उनकी बेटी को गायब की होगी। ये कोई साधारण बात नहीं है। और उसकी बात सुन गुरुजी तुरंत उनसे कहते हैं कि आप लोग आंखें बंद करें और अपनी बेटी का नाम बताएं। वो लोग बेटी का नाम बताती तो अपनी तंत्र विद्या से वो देख लेते हैं कि उनकी बेटी का जान खतरे में है। वो अपनी विद्या से उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी अब दूसरी दुनिया में जा चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती। लेकिन तुम लोगों को हिम्मत रखना होगा क्योंकि अगर तुम लोग अभी हिम्मत हार जाते तो पूरे गांव पर खतरा आ जाएगी। वो पिसाचनी अब तुम्हारी बेटी का रूप लेके गांव वालों को मूर्ख बना सकती है। लता एकदम हैरान रहती है। उसे समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। रोते हुए दबे आवाज़ में कहती, बाबा जी मुझे मेरी बेटी से एक बार मिला दीजिए, मैं उसे देखना चाहती हूँ। बाबा जी अपनी शक्ति से उसकी बेटी को वहीं ला देते हैं। बेटी रोते हुए कहती, माँ मुझे बचा लो माँ, वो मार डालेगी। और तभी पिसाचनी का हमला शुरू होता। बाबा जी झट से उन लोगों को लेके भागते गांव की ओर और जाके गांव में ये बात फैलाने को कहते। लता रोते हुए टूटे दिल के साथ वापस अपने गांव जाती। दया गांव वालों को इकट्ठा करती। गांव वाले सारे एक साथ आते, उन्हें ये दुख भरी कहानी बताती और कहती, आज के बाद हमें अपने बच्चों को ये सारी कहानी बतानी होगी। हम लोग अपने बच्चों को नहीं बताते कि शायद वो डर जाएं और हिम्मत रखें। लेकिन ये भी तो सही नहीं है कि हम लोग अपने बच्चों को डरने की वजह से भूत की कहानी ना बताएं और अनजान रखें, तो फिर वो कभी भी कुछ समझ नहीं पाएंगे कि अच्छा कौन है या बुरा कौन है। हमें अपने बच्चों को हर तरह की बातें समझा देनी चाहिए ताकि आगे चल के उन्हें आजकल के ज़माने में कोई दिक्कत ना हो। अगर लता अपनी बेटी को अच्छे से सब कुछ समझाई रहती और मना की रहती कि उस गांव के वो घर के पास ना जाए क्योंकि वहां पिसाचनी रहती है, तो आज बंकू उसके चंगुल में नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी से भी सुधर जाओ और अपने बच्चों को शॉर्टकट की वजह से उस रास्ते से कभी मत भेजना। आज बंकू अकेले थी इसलिए वो शॉर्टकट से उस रास्ते से आ रही थी जिस ओर पिशाचनी रहती है। उस ओर से तो हम बड़े बूढ़े भी नहीं जाते और वो बच्ची आज उसके चंगुल में आ गई। सारे गांव वाले चकित के चकित रह जाते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आता। आगे से सब सतर्क होके एक साथ रहने लगते हैं और लता को हिम्मत देते हैं। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।